हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वा सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपके इनबॉक्स में एक मैसेज आया होगा जिसमें लिखा हुआ होगा भारत सरकार की निपुण योजना का लाभ ले, और एक लिंक आपको मिलेगा skillindia.gov.in/nipun। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको हम बताएंगे कि जो आपके पास ई श्रम कार्ड है ये मैसेज क्यों आया है और इसका लाभ आपको कैसे लेना है। पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, विस्तार से पूरा जानकारी देंगे हम विस्तार से। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। जितने भी आप श्रमिक कार्ड धारक हैं, आपके मोबाइल में एक मैसेज आया होगा, वहां पर एक लिंक होगा। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। अब आइए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि ये जो कौशल भारत स्किल इंडिया का ये जो वेबसाइट खुल रहा है, दरअसल ये किन लोगों के लिए है और किसको इससे बेनिफिट होगा, क्या क्या लाभ है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके skillindia.gov.in/nipun की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। बारी बारी से समझते हैं क्या है। यहाँ पर बताया गया है नई सीख नई दिशा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। कौशल को निखारें, यानी अपना जो कौशल है उसको निखारें और अपना भविष्य सवारें। निर्माण क्षेत्र से जुड़े 1,00,000 से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षण और विदेशों में नौकरी के अवसर। इस बात से साफ पता चलता है कि जो यहां पर 1,00,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं श्रमिक, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको विदेश में नौकरी के अवसर भी दिया जाएगा। यहाँ पर काफी अच्छा ये मौका है जहाँ पर सभी तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। आप जिस भी स्किल में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी कला है, उसके लिए आपको यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको प्रदान किया जाएगा। आइए अब आगे समझते हैं। निर्माण श्रमिकों का आरपीएल के माध्यम से कौशल प्रमाण पत्र यहां पर आपको मिलेगा। प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रशिक्षण आपको मिलेगा। साथ ही साथ विदेश में नौकरी के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर वेतन वृद्धि के अवसर, यानी वेतन में बदलाव होगा, धीरे धीरे आपका जो वेतन है उसमें वृद्धि भी होगा। बेहतर नौकरी का विकल्प यहाँ पर आपको बताया गया है। BOCW और EPF के तहत निबंधन भी यहाँ पर साथ साथ आपका होगा। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की सुविधा है, यानी ट्रेनिंग की सुविधा है। दुर्घटना से बचाव तथा सुरक्षा के निर्देश भी आपको दिए जाएंगे और कर्मियों की कार्य कुशलता में जो वृद्धि है उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमने कॉल किया, लेकिन इनको खास जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्या क्या यहाँ पर। आइए आसान भाषा में समझते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA की निपुण योजना क्या है। हालांकि ये कौशल योजना 6-7 साल पहले ही निकला था, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको डेवलप करके आपके मोबाइल तक पहुंचाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अवगत हों और इस योजना का लाभ ले सके। निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ स्किलिंग निर्माण वर्कर्स के तहत स्किलिंग यहां पर बताया गया है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल और फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से कौशल आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस के लिए एक पहल, सरकार की तरफ से एक पहल है कि जिनके पास जो भी स्किल है, जो नॉलेज है, उसका ट्रेनिंग उनको दिया जाए और साथ ही साथ उसका यहां पर सर्टिफिकेट भी दिया जाए। नुपुर भारत के बाहर काम करने के अवसरों सहित उज्ज्वल भविष्य के लिए योग्यता आधारित ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रदान करता है। इसलिए कुशल बनकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें और अपने सपनों को यहां पर साकार करें। आगे बताया गया प्रोजेक्ट के बारे में समझिएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज 2022 तक सबसे बड़ा एम्प्लॉय बनने की ओर अग्रसर है। इसमें 7.5 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं। यह सेक्टर कुशल श्रम शक्ति कमी से सशस्त्र अकेले रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगले 10 वर्षों में 4.5 करोड़ अतिरिक्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस इंडस्ट्रीज को औपचारिक शिक्षा और कौशल की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रहे तीव्र प्रगति के मद्देनजर श्रमिकों के उत्पादकता और कौशल संगत आय में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर में कौशल विकास की नितांत आवश्यकता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOHUA ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सेक्टर स्किल काउंसलिंग SSC जैसे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट और प्लम्बिंग में इंडस्ट्रीज पार्टनर्स के एक नेटवर्क के माध्यम से 1,00,000 से अधिक श्रमिकों को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के माध्यम से कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट निपुण शुरू किया है। आइए आगे समझते हैं। RPL के माध्यम से ट्रेनिंग एवं सर्टिफिकेट
नए कौशल और अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट के अवसर, श्रमिकों के लिए बेहतर आजीविका के अवसर, अन्य लाभ, सुरक्षित कार्यशैली और बढ़ी हुई उत्पादकता आप लाएंगे। निपुण में कौन भाग ले सकता है, इस चीज को समझते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, आरपीएल कौशल समर्थन, अप स्किलिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीयता का कोई उम्मीदवार हो, यानी भारत का कोई भी उम्मीदवार हो, इसके लिए एलिजिबल है। जिसका 18 से 45 वर्ष के बीच हो वो यहां पर ले सकता है भाग, ठीक है। जॉब रोल, जिनके लिए आरपीएल सर्टिफिकेशन वंचित है, और जैसा कि सेक्टर स्किल काउंसिलिंग द्वारा उन जॉब रोल को के लिए निर्दिष्ट किया गया है, मैं पूर्व अनुभवी हो, आधार कार्ड, आधार से जुड़ा बैंक खाता रखता हो, कार्य अनुभव में संबंधित अन्य मापदंडों को पूरा करता हो, जैसे कि संबंधित जॉब रोल्स के लिए सेक्टर स्किल्स काउंसलिंग द्वारा परिभाषित किया गया है, फ्रेश स्किलिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय का कोई भी उम्मीदवार जो 15 से 45 वर्ष के बीच आयु सीमा रखता हो, यानी नए जो स्किल नए प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 15 से 45 वर्ष, आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता, ऑडिट बॉडी द्वारा परिभाषित संबंधित जॉब रोल के लिए अन्य मापदंडों को पूरा करता हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपना करियर बनाने का इच्छुक हो, ट्रेनिंग को क्या क्या लाभ मिलेगा, ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग मिलेगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल योग्यता का आकलन, MOHUA के साथ जो ब्रांडेड स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन के साथ जुड़ा होता है, सर्टिफाइड वर्कर्स को कौशल बीमा 2,00,000 रुपए के कवरेज के साथ 3 वर्ष का दुर्घटना बीमा भी आपको यहां पर मिलता है, डिजिटल कौशल, कैशलेस लेन देन, भीम है, भारत QR कोड आदि, उद्यमशीलता, स्वरोजगार के बारे में ओरिएंटेशन, साथ ही साथ EPF और BOCWE की सुविधा यहां पर आपको मिलती है, उत्पादक में वृद्धि और साथ ही साथ वेतन बढ़ने की संभावना, व्यक्तिगत विकास और साइट पर दुर्घटनाओं में कमी और इंडस्ट्रीज की सारी जानकारी आपको यहां पर मिलती है। नियोक्ता को क्या क्या लाभ मिलेगा भैया आपको बता दें, श्रमिकों की बेहतर दक्षता, समय और धन के अवयव में कमी, बेहतर उत्पादकता, सुपरविजन की संलग्नता में कमी, उत्तम परफॉर्मेंस और श्रमिकों के मनोबल में वृद्धि, अनुपस्थिति में कमी, ठीक है। जानकारी के लिए ये कॉल करना है आपको, ठीक है। अब चलिए समझते हैं यहां पर किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में समझते हैं। रजिस्टर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर में आपको रजिस्टर वाला बटन देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन आपको यहां से नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कहां से आपको करना है, बने रहिए। इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा skillindia.gov.in, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर I want to skill myself, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ फिल करना होता है, I want to skill myself कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना MR या मिस्टर या मिसेस जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे, फुल नेम यहाँ पर डालेंगे, अपना गार्जियन का नाम यहाँ पर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो भी जेंडर है, अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, ऑनर ऑफ मोबाइल आप सेल्फ, फादर, मदर, स्पिलिंग और गार्जियन जिनका मोबाइल देना चाहते हैं उनका यहां पर टाइमिंग का कॉल भैया डाल देंगे यहां पर कि 9 से 12 बजे, 12 से 3 बजे, 3 से 6 बजे, 6 से 8 बजे, ओनली आफ्टर 8 पीएम जिस भी टाइम आप कॉल एक्सपेक्ट जो करना चाहते हैं यानी कॉल को आप उठाएंगे वो टाइम आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आपके पास तो दे सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर का जो यहां पर टाइमिंग होगा वो क्या होगा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आप दे रहे हैं वो किसका है वो आपको दे दे, व्हाट्सएप नंबर आप यहां पर दे देंगे और उसके बाद आप जिस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, तमिल, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, वो अपना लैंग्वेज यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर जो भी आप पढ़े लिखे हैं, जितना भी आप पढ़े लिखे हैं, चाहे डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, डीएच फार्मा हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीबीए हो, 5 क्लास हो, 12th क्लास हो, LLB हो, MD हो या BSc हो, जो भी हो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अपने एरिया का लोकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना है, पिन कोड, साथ ही साथ अपना यहाँ पर स्टेट, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, परफॉर्मेंस में आप यहाँ पर सेक्टर चुनेंगे। अब देखिए इस चीज को समझिए आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है भैया, आप यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर आप ऑटोमोबाइल्स या फिर ऑटोमोटिव या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फूड, जिस चीज में आपको लगता है कि हाँ भैया हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से उस चीज को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आप टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी हम यहां पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सब सेक्टर में आ जाएगा आपका कि आप रेस्टोरेंट के लिए या टूर एंड ट्रेवल के लिए या होटल के लिए या फिर आप होटल रेस्टोरेंट के लिए किसके लिए काम करना चाहते हैं, तो हम यहां पर टूर एंड ट्रेवल देखिए आपको दिखाने के लिए सर यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जॉब रोल जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तो देखिए टूर मैनेजर है, टूर गाइड है, टूर एग्जीक्यूटिव है, टूर ट्रेवल यहां पर ड्राइवर है, तो बहुत तरह का यहां पर दिया गया है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद अब यहां पर आ जाता है आपको एसोसिएट प्रोग्राम, ठीक है, तो एसोसिएट प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग इंडस्ट्री
एसोसिएटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एसोसिएट आपको उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, कहाँ से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आता है आपको इंटरेस्ट इन RPMKVY ट्रेनिंग, या किस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर ट्रेनिंग के साथ प्लेसमेंट भी आपको जॉब भी चाहिए। अगर दोनों चाहिए तो भैया ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर वो भी सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर पैड कोर्स है, अगर आप पैसे देकर के कोर्स करना चाहते हैं जो और बेहतर तरीके से आपको मिले तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर रोजगार मेला के लिए आप सेलेक्ट करते हैं तो जो भी रोजगार मेला लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको टर्म्स को यहाँ पर एग्री करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर एक मैसेज आ जाएगा, फिर आपको कॉल का इंतजार करना है। तो ये है स्किल इंडिया, जो कि आपके मोबाइल में, जो कि आपने अगर जो ई श्रम कार्ड है उसको बना रखा है, तो नूपुन यही साइट है जिसके बारे में शायद कस्टमर केयर को नहीं पता था, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे दे पाई, तो मैं आपको बता दिया आई वांट टू स्किल माई सेल्फ। इसमें आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और ये क्या है, किस तरीके से काम करता, सारा कुछ डिटेल्स हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, कुछ लगता है कि कुछ आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके आप हमें डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं किसी एक वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक लिखो, तो अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।